हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ सुरेंद्र। और दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता आप चल ही गया होगा कि टीचर फर्स्ट ग्रेड है या फिर स्कूल व्याख्याता है, उनके लिए फॉर्म दोबारा भरने में आएंगे। पर ये फॉर्म अभी इसमें कुछ नहीं दे रखा कि जिन्होंने पहले फॉर्म भर दिए हैं उनको दोबारा फॉर्म भरना है या नहीं भरना है। पर जहाँ तक अंदाज है तो पहले जिन लोगों ने फॉर्म भर दिया है उनको दोबारा नहीं भरना पड़ेगा, और जो नए लोग हैं वह दोबारा फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें क्या क्या बदलाव किया है ये चीजें मैं आपको बता दूं। एक तो ईवीएस का जो आरक्षण है वो 10% अलग से कर दिया, एमबीसी का 5% और फिजिकल हैंडीकैप का 4%। तो सीटों का भी नया वर्गीकरण किया है दोस्तों। अगर आपके पास ये नोटिफिकेशन नहीं है तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हो। यहाँ पे मैं एक बार बता भी देता हूँ कि कौन सी कैटेगरी को कितनी सीटें मिली है और कौन से सब्जेक्ट में कितनी सीटें हो गई है। दोस्तों, भूगोल की बात करें तो भूगोल में 782 सीटें हैं, 256 मिली है। तो ईडब्ल्यूएस को 56 और एससी को 89, एसटी को 67, जनरल ओबीसी को मिली है 116 दोस्तों। तो दोस्तों, इसमें इसी प्रकार सभी सब्जेक्ट के जो पोस्ट है वो बता रखी है। मैं केवल पोस्ट नंबर और पोस्ट ही बताऊंगा। अब अर्थशास्त्र की दोस्तों 129 पोस्ट है, पंजाबी की 15 है, राजस्थानी की 6 है, लोक प्रशासन की 5 है, समाजशास्त्र की 32, चित्रकला की 40 दोस्तों, चित्रकला की भी 40 पोस्ट हैं। म्यूजिक टीचर संगीत की है दोस्तों 6 पोस्ट हैं, इतिहास की 613, वाणिज्य की 118। तो दोस्तों, ये वाणिज्य वालों के लिए भी बहुत अच्छा चांस है जिन लोगों के कॉमर्स है, क्योंकि वो फर्स्ट लेवल सेकेंड लेवल में नहीं दे पाते हैं शायद। जीव विज्ञान है उनको 166 सीटें मिली है दोस्तों। रसायन शास्त्र केमिस्ट्री को 160, होम साइंस को 54 और हिंदी को मिली है दोस्तों 849। तो सबसे ज्यादा शायद हिंदी को ही है। राजनीति विज्ञान 815, भौतिकी यानी कि फिजिक्स 187, कृषि जो एग्रीकल्चर साइंस है उसको भी 370, मैथ्स की 193 सीटें हैं दोस्तों, अंग्रेजी की 304 है और संस्कृत की 156। तो दोस्तों, ये 5,000 पदों की वैकेंसी है। और ईडब्ल्यूएस को 56, 10 इस प्रकार सीटें मिली है। पंजाबी राजस्थानी में उसको सीटें नहीं मिली है। समाजशास्त्र में 3 सीटें हैं और सबसे ज्यादा जो सीटें मिली है दोस्तों वह मिली है हिंदी में इन लोगों को भी, और इनकी 364 सीटें रिजर्व रखी गई है। तो ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण पहले नहीं था उनके लिए भी आरक्षण दे दिया, और एमबीसी का भी आरक्षण इसमें बता नहीं रखा, ये दे रखा है दोस्तों लास्ट में, एमबीसी का आरक्षण दे रखा है दोस्तों। और फिजिकल हैंडीकैप की भी यहाँ पर सब पूरी जानकारी दे रखी है, ये देख लो यहाँ पर पूरी सीटें हैं दोस्तों। 185 सीटें रिजर्व है फिजिकल हैंडीकैप के लिए, 160 सीटें रिजर्व है। फिर भी अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, वहां पर आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। और एक चीज और है, 23 तारीख से फॉर्म भरने में आएंगे दोबारा, तो फॉर्म भर दीजिए आप। यहाँ पर जो पिछले वाला नोटिफिकेशन था उसमें 2018 दे रखा था, तो 2019 से भरने में आएंगे 23 सितंबर, ठीक है, और अक्टूबर में 12 अक्टूबर तक ही फॉर्म भराए में आएंगे। तो जल्दी से फॉर्म फिलअप कर सकते हो आप, और अगर आपने पहले फॉर्म उन्हें पुनः आवेदन करना आवश्यक दोस्तों। यहाँ पर दे रखा है आयु और अवांछित शैक्षणिक योग्यता इत्यादि के आधार पर अपात्र अभ्यर्थी जो पूर्व में आवेदन कर चुके हैं उन्हें पुनः आवेदन करना आवश्यक है शेष आयु की शैक्षणिक योग्यता। तो दोस्तों, इससे ये चीज तो निकल के बाहर आ रही है कि जिन्होंने पहले फॉर्म फिलअप कर दिया है और उनका फॉर्म सही है तो उनको दोबारा फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा। और भी चीजें आप इसमें अच्छे से पढ़ लेना, देख लेना, ठीक है। और अगर इस नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड करना चाहते हो तो आरपीएससी की साइट से डाउनलोड भी कर सकते हो। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूले, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर सबसे लेटेस्ट और सबसे ऑथेंटिक न्यूज अपडेट आप लोगों को टाइम टू टाइम दी जाती है, तथा ज्योग्राफी से संबंधित वीडियोस जो ज्योग्राफी के लेक्चरर बनना चाहते हैं उनके लिए भी इस जो चैनल है उसमें बहुत सारे वीडियोस है, और जो फर्स्ट पेपर है उसके लिए भी जीके के बहुत सारे लेक्चर्स या वीडियोस इसमें रखे हुए हैं। तो प्ले लिस्ट जाकर एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।